चलो जी दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों अभी मेरे मुझे पसीना भी आने लगा है। ज़्यादा घूमने से एनर्जी थोड़ी सी खत्म होती है, तो हमें आगे बढ़ते थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा। ओ यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा नासिक का व्यू दिख रहा है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा पेड़ आ चुका है, और यहाँ पर ये अलग अलग गुफा की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि क्या क्या है और क्यों इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया है, जिसमें 8 कमरे हैं। सही कहा क्या नहीं मैंने? और सुंदर मूर्ति भी देखनी है, धम्म चक्र में मुद्रा अभी देखिए की यहाँ पे मूर्ति है। काफी पसीना आ रहा है और अभी आधा भी सफर तय नहीं हुआ शायद। का निर्माण सेनापति भोपा और उसकी पत्नी वसु के राजा मतलब सातकर्णी ने इसका 7वें दशक में निर्माण किया था, जो कि काफ़ी भारत का काफ़ी पुराना वास्तु है और इससे हमारा इंडिया ग्रेट बनता है दोस्तों, और हमें इनकी जानकारी होना काफ़ी आवश्यक है। हाँ तो चलिए दोस्तों, अभी ख़त्म होने को ये सफ़र हम डायरेक्टली ऊपर जाए ऊपर की तरफ जाएंगे, हमें जाएंगे लेनी की तरफ तो, और वहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है चलो। तो रोड आता और हम जहाँ से आई है और यहाँ से हमें टिकट लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही है 10 नंबर का जो मेन विहार है, और यहाँ पे आवाज भी गूंज रही काफी, और अंदर का शायद नहीं दिखेगा आपको क्योंकि अंधेरा काफी है, और यहाँ पर हम जूते निकाल सकते हैं। ठीक है जूते निकाल लो। तो हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और बुद्धिस्ट क्यों है, और ये मेन क्यों है यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से, और यहाँ पर अलग अलग रूम बनाए गए हैं जो बुद्धिस्ट साधु के लिए। तो यहाँ पर पुराने समय में जो बुद्धिस्ट साधु थे वो यहाँ पर साधना करते थे, और आप देख सकते हैं कि कितनी आवाज़ गूंज रही है। तो यहाँ पर हम जैसे करेंगे तो उनका जो ध्वनि है वो यहाँ पर गूंज रहा है, मतलब काफ़ी शांति मिली यहाँ पर। हम यहाँ पर एक बुद्धिस्ट दिखाएंगे जो कि काफ़ी बारीक काम करके बनाई गई है, काफ़ी बड़ा है ये, और पूरी रेनी में यही एक गुफा है। यहाँ पर रूम भी दिखाई बड़े बड़े, और ये जो रूम्स है वो शायद है, और यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए एक जगह बनाई गई है कैदियों के लिए, साधु के लिए, साधु के लिए सॉरी। यहाँ पर बैठ के जैसा बनाया गया है, कम यहाँ पर 10-12 साधु की मतलब ये कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं शांति में। यस जिसे उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलती थी। और दोस्तों ये छे भी उसी तरह के, जिस तरह के हमने अंदर की साइड आपको दिखाया था, और वैसे तरह के नहीं, ये बंद कर दिया है सर, लेकिन ये सरकार के अनुसार शायद अंदर से बंद है। और ये 6 स्तूप बनाए गए हैं जो जिसकी मदद से खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक तरह से कलाकारी की गई है उस जमाने में, काफी नया माना जाता था। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है। हाँ, ये ऊपर से इधर भी देखा दोस्त, ये भी अच्छा है वो बड़े बड़े शब्द में। ओ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाली भाषा में लिखा गया है शायद। हाँ, शायद किसी का ग्रंथ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, हमने दिखाया है ऊपर। ओ हाँ ऊपर भी है। ओके ओके देख सकते हैं आप कुछ
उनकी भाषा में लिखा गया है। काफी अलग तरीके की भाषा है ये तो। हाँ, नहीं एकदम। यहाँ पर देखिए हमारे कुछ नौजवानों ने यहाँ पर खुद के नाम लिखे गए हैं। हाँ, की काफी घटिया काम है। 10 नंबर है, 10 नंबर की स्तूप है और ये मेन स्तूप है। हाँ। और कुल मिला के यहाँ पर 24 ऐसे केव्स है लेनी है और हम एक एक करके दिखाएंगे। चलो तो चलते है अभी। मछलियाँ भी है यहाँ पे। दोस्तों ये शायद पीने के लिए पानी बनाए गए उन्होंने। मछलियाँ भी है काफी यहाँ पे, काफी ठंडा पहुँचने के लिए भी ये बनाया गया है शायद। देख सकते हैं आप यहाँ पर काफी कोल्डनेस यहाँ पर फील हो रही है हमें, ठंडी ठंडी कुछ हवा आ रही है। चलिए आगे जाते हैं दोस्त, यहाँ पर ज़्यादा नहीं कर सकते, शुरुआती शोर से हम दिखाएंगे। ओ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नासिक का नक्शा। यस काफी अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल शहर है नासिक काफी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल हम उसी रास्ते से आए, मुंबई आगरा रोड है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। बुद्ध भगवान की मूर्ति दिखाई थी जो बड़ी सी थी, देखिए वो रहा वो गोल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चैत्र क्या बोलते हैं उसको, फाल्के स्मारक, फाल्के स्मारक है वो। और उसके बाजू में यहाँ पर आपको एक वाटर पार्क भी है, शायद अभी वो बंद है। बंद है किसी कारण, पानी भी नहीं उसमें शायद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा नासिक शहर कैसा है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसीलिए बंद हो गया है शायद। और अभी दोपहर के 2 बजे है लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह के 10 बजे है। काफी ठंड भी यहाँ लग रही है हमें और काफी मजा भी आ रहा है दोस्त। तो दोस्त हमें हम एक से शुरुआत करेंगे, मतलब एक स्तूप से पूरे 24 स्तूप हमें दिखाएंगे आपको, तो बने रहेगा हमारे साथ साथ और आपको ऐसे ही कुछ रहस्य दिखाएंगे पुराने जमाने के। तो यहाँ पर हमें यह निकाला गया है शायद, यहाँ पर आना मना ही है, यहाँ पर आप जाने के लिए मत आइएगा। हमें कुछ रूल भी काफी नहीं कर सकते, उनके रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं हमें। और चलिए दोस्तों हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा सफर और एक एक करके हम सभी स्तूप दिखाएंगे आपको। और कब से भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मैं काफी फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ इससे, रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रहा है, हम कब से बकबक कर रहे हैं लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये दिखाना हम चाहते थे कि पुराने जमाने ये नेचुरल एसी बनाया गया है, मतलब इससे जो पानी रिस कर आता है वो यहाँ पर जमा हो जाता है और काफी दिमाग लगा कर ये बनाया गया है। चलिए दोस्तों हम आगे जाते हैं और आगे का कुछ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर जो इनकी संरक्षण करते हैं वो कर्मचारी आए थे और हमें वहाँ से निकाला गया। हम नो एंट्री में घुस गए थे, जैसे कि हम हर वक्त घुसते रहते हैं। और ये देखते हैं छोटा सा यहाँ पे, यहाँ पर भी बनाया गया है, जगह जगह पर ये बनाया गया है। और काफ़ी ठंडी हवा यहाँ पर महसूस हो रही है, आपको ये कैमरा में नहीं दिख सकती, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, ये डायरेक्टली नीचे से रास्ता है। और यहाँ पर देखिए आप थोड़े थोड़े अवशेष यहाँ पर लगे हुए हैं, शायद ये पूरा बना नहीं है या फिर ये तहस नहस हो गया है हमारे कई सालों के दौरान। यहाँ पर नंबर एक का जो क्या एक का ही है ये स्तूप है, देखिए आप काफ़ी बड़ा बनाया गया ये और इतने सालों बाद भी ये काफ़ी अच्छी हालत में, काफ़ी अच्छी हालत में उस समय में। ओह ये काफ़ी बड़ा है, देखिए लगभग 12 फीट का ये जो स्तूप है, मतलब ये जो बनाया गया है। पत्थर के निर्माण से और यहाँ पर शायद साधु बैठते होंगे, यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। ओके चलिए दोस्त यहाँ पर ऊपर चढ़कर दिखाइए हमारे दर्शकों को कि वहाँ पर साधना में लीन होते थे। चलिए तो फिर आगे की तरफ लेके चलते हैं आपको। काफी आवाज गूंज रही है, चलो हम जाते हैं दूसरे स्तूप पर इसके साथ।
Thank you.